गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और बताओ जी, क्या हाल चाल है? आज तो बड़े भाई बहनों की क्लास है, छोटे भाई बहनों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनकी अमेंडमेंट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज जो भी बड़े भाई बहन यहाँ पे आए हैं, सीएस प्रोफेशनल के बच्चे या कुछ बच्चे में भी सीए फाइनल के भी हो सकते हैं, तो आज आपकी भी लास्ट अमेंडमेंट क्लास है। टोटल हमने 8 अमेंडमेंट क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें जीएसटी के जितने भी टॉपिक थे, टॉपिक वाइज सारी हमने अमेंडमेंट कंप्लीट कर ली। अब आज के अमेंडमेंट क्लास में ना, जो आपके मिसलेनियस टॉपिक हैं, छोटे मोटे टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल एग्जम्पशन में छोटी सी अमेंडमेंट है, वो आज हमें करनी है। रिफंड के चैप्टर में छोटी छोटी 3 अमेंडमेंट्स हैं, वो हमें आज करनी है। एक आप याद करो, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज आपने किया था, मैंने कहा था जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, कस्टमर को बेनिफिट आगे पास ऑन नहीं करते, उसके लिए गवर्नमेंट एक क्लोज लेके आई थी, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज। उसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है। तो जितनी भी आपकी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स होंगी, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान सुनना, नोटिंग साथ के साथ करना। अगर मैं कोई क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन साथ में नोट डाउन कर लेना। इस अमेंडमेंट टास्क के बाद ना, सीएस प्रोफेशनल के भी बच्चे की जीएसटी में जितनी अमेंडमेंट्स हैं, वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ सर, इस नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितनी मोस्ट रेलिवेंट अमेंडमेंट्स हैं आपके एक्ट में, आपके नोटिफिकेशन में, सारी अमेंडमेंट इन नोट्स के अंदर मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब कई बच्चों को ना डाउट ही आता है, सर क्या नोटिफिकेशन नंबर याद करने हैं? अगर याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ध्यान देना कि गलत मत लिख के आना। क्योंकि अगर आपने कोई भी नोटिफिकेशन नंबर ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में गलत लिख दिया ना, तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात कदम, प्रोविजन देखते ही पता लग जाएगा अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोटिफिकेशन नंबर ना याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मेनली प्रोविजन याद हो कि ये वाला चेंज आया है, ये सर ने कहा था कि ये वाली अमेंडमेंट आई है, उसको आपने लिख के आना है। अगर नोटिफिकेशन नंबर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो गलत मत लिख के आना, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। तो एक बार टॉपिक नंबर 12 पे आ रहा हूँ, नोट्स आपके पास हैं जी, प्रिंटिंग फॉर्म में होंगे, कुछ नोटिंग भी करेंगे, कुछ बातें हम समझेंगे। और जो बच्चे सीए इंटर वाले हैं, वो सिर्फ पहली अमेंडमेंट देखेंगे एग्जम्पशन वाली, बाकी उसके बाद वो जा सकते हैं, और प्रोफेशनल और फाइनल वाले बच्चे लास्ट तक बैठे रहेंगे। और ये टॉपिक नंबर 12 जो है ना, मैंने मिसलिनियस डाला है। मिसलिनियस मीन्स जो आपके छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे, इसके अंदर सारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो आपकी है एग्जम्पशन अंडर जीएसटी, एक एंट्री नंबर 41 आपकी है। अब इस एंट्री नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है पहले वो सुन लो। अब जिन जिन बच्चों को थोड़ी बहुत एग्जम्पशन वाली बात ध्यान आ रही होगी, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो सीएस प्रोफेशनल के हैं, मैंने उन्हें क्लास के अंदर भी कहा था कि आपको भी एग्जम्पशन करनी है। अगर आप अपना मॉड्यूल चेक करोगे तो मॉड्यूल में एग्जम्पशन नहीं है, बट मैंने इस बार के लेक्चर्स में ओल्ड सिलेबस वालों को भी करवाई है, और मैंने यूट्यूब के ऊपर भी एग्जम्पशन क्लास पूरी डाली है, ताकि जो जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं, न्यू सिलेबस के, उनके एग्जम्पशन क्लास मिस ना हो, बस ये बात ध्यान दो। तो मे बी अगर आपको ध्यान रहा हो, एंट्री नंबर 41 जब आपने पढ़ी होगी ना, उस एंट्री 41 में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई गवर्नमेंट या ऐसी एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का 50% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है, या तो वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, या वो ऐसी एंटिटी है जिसमें गवर्नमेंट की 50% या मोर वोटिंग पावर है या उसकी ओनरशिप है, अगर वो लॉन्ग टर्म लीज पर कोई देती है, अगर वो लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस देती है, तो उस केस में वो सारी की सारी सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी। याद करो एंट्री नंबर 41 सर, एंट्री नंबर 41 में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई गवर्नमेंट है या ऐसी एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का 50% या उससे ऊपर की ओनरशिप है, अगर वो लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस दे रही है, तो वो सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, उस सर्विस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बच्चा कहता है यार ये पॉइंट तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, और दूसरा अगर मान लो अगर हम समझ भी लें तो ये लॉन्ग टर्म लीज का मतलब क्या है? ऐसी लीज जो 30 साल या उससे ऊपर के लिए दी जाती है, उसको लॉन्ग टर्म लीज कहते हैं। ये बात एंट्री 41 में लिखी है। तो आपको मैं सिंपल से बता रहा हूँ, सिर्फ चेंज एक छोटा सा है, चेंज क्या उसको डिस्कस कर लेंगे, बट अभी इतना समझना कि अगर गवर्नमेंट या ऐसी एंटिटी जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है, अगर वो लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस देती है, तो अभी तक एग्जम्प्ट थी एंट्री नंबर 41 में, एक बार जाके देख लेना। अच्छा अब एक बार सोच के बोलना, अब धीरे धीरे जितनी भी आज मतलब जितनी भी यार प्रैक्टिकल लाइफ में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, तो क्या गवर्नमेंट उसमें अपनी वोटिंग पावर बढ़ा रही है या प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रही है? आप सब बच्चे ऑफिस जाते हो सर, अब जितने बच्चे ऑफिस जाते हैं, मे भी उन्हें पता होगा, प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज होगी, और गवर्नमेंट जो है अपनी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बाहर वाली कंपनी को यह बात कह रही है कि आप यहां पे आओ, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, हम अपनी ओनरशिप छोड़ना चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए अमेंडमेंट ही आई है। अभी तक गवर्नमेंट ने क्या लिखा था कि या तो हम
या ऐसी एंटिटी जिसमें 50% और मोर ओनरशिप हमारी होगी उसकी लीज की सर्विस एग्जम्प्ट है। अब गवर्नमेंट ने 50% और मोर को काट के 20% और मोर कर दिया, तो आप खुद समझ सकते हो कि अब 80% तक, अब 80% तक बाहर वाली कंपनी भी अगर ओनरशिप रखती हैं और गवर्नमेंट की सिर्फ 20% ओनरशिप भी है, तो उसको हम एक तरह से गवर्नमेंट एंटिटी मानकर उसकी लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस एग्जम्प्ट कर देंगे। सर रीजन सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहती है। पैसा खत्म हो चुका है, कोविड सारा पैसा खा चुका है, या पैसा कहाँ गया वो किसी को नहीं पता अभी। तो सिंपल सी बात ही निकल करे कि गवर्नमेंट सिंपल ये बात कहना चाहती है कि बाहर वाली कंपनी जो है अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी तो हम अपनी ओनरशिप छोड़ सकते हैं, हमारी अगर 20% या उससे ऊपर वोटिंग पावर होगी ना तो भी एग्जम्पशन के दायरे में तुम्हें डाल देंगे, तुम्हें जीएसटी से बाहर निकाल देंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बस ये बन सकता है सर एंट्री नंबर 41 का, कि अगर एक गवर्नमेंट है उसने 30% की ओनरशिप रखी है और 70% की ओनरशिप दूसरी प्राइवेट कंपनी की है, उसने लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस दी है, तो क्या ये टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है। अब ये एग्जम्प्ट है, पहले टैक्सेबल होती थी बट अब ये एग्जम्प्ट हो चुकी है क्योंकि अब गवर्नमेंट की हमें वोटिंग पावर जो है, ओनरशिप जो है वो 20% या उससे ऊपर चेक करनी है। 50% वाला क्लोज यहां से डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सा चेंज है सर, इससे छोटी अमेंडमेंट मेरे को नहीं लगता कोई आएगी। 50% और मोर की जगह बस 20% और मोर कर देना, बाकी सारी बातें वही हैं। ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना सर, ये अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट एक्चुअल में एक ही है, वो मेरे ग्रीन कलर यहाँ पे हो गया, बट ये पहले भी लिखा था, आज भी लिखा है, कुछ प्रोविजो है। मेन बस ये बात ध्यान देना कि आपको ध्यान देना कि 50% की जगह आपके आ गया है 20%। इट मीन्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट दिया है एक तरह से, कि भैया अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम जीएसटी लाइबिलिटी एग्जम्प्ट कर देंगे क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। और देखो ये लॉन्ग टर्म लीज का मतलब क्या होता है, 30 ईयर या उससे ज्यादा की अगर लीज होगी तो वो लॉन्ग टर्म लीज में कवर हो जाएगी। तो बस एक पहली अमेंडमेंट, सीए इंटर वाले बच्चे अब जा सकते हैं, प्रोफेशनल वाले बच्चे, फाइनल वाले बच्चे भी बैठे रहेंगे। तो पहली अमेंडमेंट दोबारा से कंक्लूड कर दूं कि एंट्री 41 में जहां 50% और मोर आपने पढ़ा था वहां 20% और मोर कर लेना, बाकी सारी बातें सेम है, ठीक है। ओके सर, लो जी अगली अमेंडमेंट देखो, एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया जी कि अगर गवर्नमेंट है या 20% और मोर ओनरशिप गवर्नमेंट की है और अगर वो लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस दे रही है तो उसके इसमें जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब कोई भी यहां पे जीएसटी की बात नहीं आएगी, पहले 50% वाला लो था, अब यहां से 50 काट दिया गया। सेकंड अमेंडमेंट जो है वो आपकी है एंट्री प्रॉफिट रिंग क्लोज के अंदर। याद आ रहा है कुछ एंट्री प्रॉफिट रिंग क्लोज का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों की तो शक्लें ऐसे हो चुकी हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट आ कहां से गया, पहले तो ये मुझे बताओ। ऐसी बातें बोलोगे तो गुस्सा आ जाएगा मुझे दलाई को, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, आप इतने बड़े हो चुके हो, मैं आपको लगता है कि आपको आप चाहते हो मैं आपको गुस्सा करूं, मैं कहता हम तो चाहते हैं गुस्सा करो, कोई तो डांटने वाला बने। दलाई को याद करो, हमने क्लास में क्या था, एंटी प्रॉफिटिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, मतलब जब गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए थे तो लोगों ने उस बेनिफिट को आगे कस्टमर को पास ऑन नहीं किया और बेनिफिट वो खुद खा गए थे। और जब गवर्नमेंट को ये बात पता लगे कि लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला एंट्री प्रॉफिटिंग क्लोज का। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने बस ये बात लिखी है कि अगर कोई पर्सन प्रॉफिट रिंग करते पकड़ा गया, अगर कोई पर्सन प्रॉफिट रिंग करते पकड़ा गया तो याद करो मैंने क्लास में कहा था कि वो पैसा कस्टमर को लौटाना पड़ेगा और साथ में पेनल्टी भी लगेगी। अब पेनल्टी गवर्नमेंट कहना चाहिए कि 10% उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, बट हाँ अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर अमाउंट डिपोजिट कर देता है तो इस पेनल्टी से हम उसको माफ कर देंगे। इतनी छोटी सी अमेंडमेंट बस यहां पर आई है, एक बार दोबारा से बोलूंगा, अमेंडमेंट ये सिर्फ निकल के आई है कि अगर मान लो कोई मुनाफाखोरी करता पकड़ा गया, अब जो जितना अमाउंट उसने मुनाफाखोरी किया, जितने अमाउंट की उसने चोरी की है उसको लौटाना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा उस पर्सन को। तो गवर्नमेंट के लिए 30 दिन का टाइम है भाई, 30 दिन के अंदर अगर वापस कर दिया तो हम पेनल्टी छोड़ देंगे, अगर 30 दिन के अंदर वापस नहीं दिया तो जितना अमाउंट तूने चोरी किया है उसका 10% की तुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट आपकी आई है, एक बार रीड करो। इन सेक्शन 171 ऑफ सीजीएसटी एक्ट After सब सेक्शन 3 द फॉलोइंग शेल बी इंसर्टेड, नेमली एक नया क्लोज इंसर्ट कर दिया 3A, वेयर द अथॉरिटी रेफर टू इन सब सेक्शन 2 आफ्टर होल्डिंग एग्जामिनेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द सेड सब सेक्शन कम्स टू द कंक्लूजन दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैज प्रोफिटेड अंडर सब सेक्शन 1 सच पर्सन शेल बी लाइबल टू पे पेनल्टी इक्वलेंट टू 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोफिटेड। मतलब जितना अमाउंट उसने प्रॉफिटिंग किया, जो उसने मुनाफाखोरी की, जो उसने चोरी की, उसके 10% के बराबर क्या लग जाएगी पेनल्टी, अभी तक 30 दिन के बाद उसने कहीं नहीं की। अब देखो आगे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी शैल बी लेवेबल, हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे इफ द प्रोफिटिंग अमाउंट इज डिपोजिटेड विद इन 30 डेज
ऑफ द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर बाय सच अथॉरिटी, मतलब जब अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके 30 दिन के अंदर अगर तू अमाउंट डिपॉजिट करवा देगा तो ये तेरी पेनल्टी माफ हो जाएगी। तो आपके एग्जाम में अगर एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज का क्वेश्चन बनेगा, अब जो बच्चे मेरे पढ़े हुए हैं, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, उन्हें पता होगा मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही कहा था कि एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में प्रोफेशनल के अंदर, चाहे वो न्यू सिलेबस हो चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज। तो एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज के बारे में पहले एक्सप्लेन करना है, फिर आपको ये बताना है कि अगर कोई चोरी करता पकड़ा गया तो अमेंडमेंट नहीं आ चुकी है, 10% की पेनल्टी लगेगी, बट 30 दिन का टाइम दे दिया, 30 दिन में अगर अमाउंट डिपॉजिट करवा दोगे तो पेनल्टी माफ हो सकती है, नहीं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है। अब प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या होता है, देखो वही ऐसा बेनिफिट जो आपने कस्टमर को पास ऑन नहीं किया उसको हम प्रॉफिटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आपके नोट्स में आपके सामने है। अगर आप सेल्फ रीडिंग कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और मैंने रीडिंग करवा दी तो आपको अच्छे से और समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो दो अमेंडमेंट अभी तक मैंने कराई है, अमेंडमेंट नंबर 1 एंट्री नंबर 41, भैया आप गवर्नमेंट की पावर वहां पे 50% से 20% तक आप कंसीडर कर सकते हैं, अब नया लो 20% का आ गया। और अमेंडमेंट नंबर 2 एंट्री प्रॉफिटरिंग क्लोज में क्या अमेंडमेंट आई है कि अगर कोई चोरी करता पकड़ा गया 10% की पेनल्टी है, 30 दिन का टाइम है, 30 दिन अगर पेमेंट कर दोगे तो पेनल्टी माफ हो जाएगी, नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, सेकेंड अमेंडमेंट आई है, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। यस वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। लो जी अब अगला हमारा टॉपिक है रिफंड अंडर जीएसटी। इसमें अमेंडमेंट में अगर बोलूं तो सिर्फ एक अमेंडमेंट ध्यान से पढ़ने वाली है, बाकी अमेंडमेंट में कुछ खास बात नहीं है, बट हम करेंगे सारी अच्छे तरह से, क्योंकि रिफंड का चैप्टर सीएस प्रोफेशनल के अंदर अच्छे तरीके से आता है और रिफंड में क्वेश्चन बनता ही बनता है और बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अमेंडमेंट नहीं है, एक सर्कुलर है, एक सर्कुलर इंसर्ट किया 135/5/2020 करके, और आप सब जानते हो सर्कुलर का मतलब क्या होता है, क्लेरिफिकेशन, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोगों को डाउट थे, जो डिपार्टमेंट को डाउट थे, उन डाउट्स को गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया सर्कुलर निकाल के, कि भैया अगर अब ये डाउट आएगा ना तो अब हम ये क्लैरिफिकेशन यूज कर रहे हैं, इसको देख के काम करना। सबसे पहला इन्होंने अमेंडमेंट की है, नाउ बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर हैज बीन अलाउड। बंचिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। इट मींस गब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर कोई पर्सन पूरे एक साल का रिफंड एक साथ क्लेम करना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड कर सकता है। पहले भी ये लो था, पहले भी प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ये करते थे, बट ये बात ना कहीं क्लैरिफाई नहीं थी। और जो बच्चे ऑफिस में जाते होंगे, प्रोफेशनल के बच्चे तो ऑलमोस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके होंगे, अब चलो कोविड के अंदर तो ऑफिस जा रहे, बट वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा होगा, और मैं भी कुछ बच्चे आप में से टैक्सेशन में काम कर रहे हो और टैक्स की दुनिया आप सब जानते हो, जो बच्चे टैक्स में काम कर रहे हैं ना उनको पता होगा टैक्स की दुनिया कैसी है, और इवन सीए फाइनल वाले बच्चे तो ऑलमोस्ट टैक्सेशन में ही काम करते हैं। तो याद करो, आपने ऑफिस में अगर कभी प्रिंसिपल के मुंह से सुना हो कि अगर कोई एसएससी है या कोई भी क्लाइंट है पूरे साल का इकट्ठा रिफंड क्लेम करना चाहता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल था, बट कई बार आर्ग्यूमेंट आते थे, बात लिखी कहां है, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दी कि बंचिंग ऑफ रिफंड जो है, बंचिंग ऑफ रिफंड जो है क्लेम अक्रॉस ड्यूरिंग डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर हैज बीन अलाउड। हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वो रिफंड की बंचिंग पूरे फाइनेंशियल ईयर की वो एक साथ क्लेम कर सकता है, हम उसको अलाउड कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब जानते हो एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर क्या है, GST RFD 01, वो सारी बातें अपने क्लास में पढ़ी हैं, उसको मुझे दोहराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहली माइनर सी क्लैरिफिकेशन कि बंचिंग ऑफ रिफंड अब अलाउड है, पहले भी अलाउड था बट अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। दूसरे अमेंडमेंट ध्यान देना, दूसरे अमेंडमेंट थोड़ी सी अच्छी है, सेकेंड अमेंडमेंट ये बात कहना चाह रही है, रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC, बहुत ध्यान से पढ़ना जी, रिफंड ऑफ accumulated ITC शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ITC एज पर those इनवॉइस द डिटेल ऑफ विच आर अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR 1 एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म GSTR 2A ऑफ द एप्लीकेंट। इसका कोई मतलब बताएगा, इस क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है, ये जो सेकेंड क्लैरिफिकेशन है, कोई बताना चाहता है, मुझसे कहता है बताना चाहता होते तो हम यहाँ पे थोड़ा के बैठते, सर कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हो, हमें खुद ही समझ नहीं आया, हमने घर रहकर ट्राई की थी, हमें लगा चल छोड़ना विवेक सर बता ही देंगे। अच्छा एक बात मैंने सोच के बोलना, अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 याद आ रही है, अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 किस किस को याद आ रही है, फटाफट से मुझे बताओ रही, अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 किस किस को याद आ रही है। अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में याद करो मैंने कहा था कि ITC जितने इनवॉइस आपने अपलोड कर दिए उसका तो पूरा मिलेगा, हाँ जी
फटाफट से बताओ, जितने इनवॉइस आपने अपलोड कर दिया उसका तो पूरा मिलेगा, और जितने इनवॉइस आपने अपलोड नहीं किए उस केस में जितने अपलोड किए उसके आईटीसी का 10% और जो एक्चुअल है विचएवर इज लेस। और अगर मेरी फैमिली का कोई रटने वाला बच्चा सामने बैठा होगा, उनको ये बात मैंने बताई थी कि मैक्सिमम आप 110% तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो, 100% तो वो, और जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए उसका भी 10% क्लेम कर सकते हो। अब मान लो क्लेम कर लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्लेम कर लिया भाई टोटल इनवॉइस 5 थे, बहुत ध्यान सुना, टोटल इनवॉइस 5 थे, 3 अपलोड कर दिए तो 3 का तो पूरा, और जो 2 अपलोड नहीं किए उसका 10% ये मैं क्लेम कर सकता हूं। और अगर मैंने क्लेम कर लिया और मान लो बाद में सर्विस नहीं हुई या बाद में मेरा रिफंड बनता है, तो अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि विवेक, हेलो सुन रहे हो मेरी बात आप ध्यान से, ये एक नालायक बच्चा पता नहीं क्या देख रहा है मोबाइल में। अरे भाई मेरे, अब तो पबजी भी चली गई, अब कौन सी गेम डाउनलोड कर रही है, फौजी, फौजी गेम अभी नहीं आई है। इधर देखो ध्यान से, नालायक बच्चा कह रहा, हम हमारा, हाँ सर हमारे पास कोई गेम की कमी है, आप हमारा मोबाइल देखो, गेम ही गेम हमारे मोबाइल के अंदर है। नालायक इधर देखो ध्यान से, आपके काम की बात चल रही है और प्रोफेशनल के बच्चे हो, सिर्फ 3 4 महीने पढ़े हैं, सीएस बनने वाले हो, याद करो उस दिन को, जिस दिन सीएस बन जाओगे आपके चेहरे पे स्माइल होगी, पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल होगी, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, वो दिन को इमेजिन करके पढ़ना स्टार्ट करो, ये बेकार की बातें मत करो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, अब सोच के बोलना, आपने क्लेम कितना किया है, 110%। अब गवर्नमेंट कह रही है, हेलो विवेक, अगर रिफंड लेने की बात होगी ना तो रिफंड जो तुझे आईटीसी का मिलेगा वो 100% मिलेगा, 10% जो इनवॉइस अपलोड नहीं की है उसका तू आईटीसी अवेल तो कर सकता है बट उसका रिफंड तुझे नहीं मिलेगा। सर नहीं आई बात समझ, एक बात मुझे बताओ, आपने एग्जाम अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिकल, उसके अंदर ये तो याद आ रहा है ना कि 110% तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब मान लो मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, मेरे ई क्रेडिट लेजर के अंदर वो आईटीसी शो हो रहा होगा, अब मान लो मैंने आगे सप्लाई नहीं की तो मेरा रिफंड बनता है, ठीक है जी, आगे सप्लाई नहीं हुई तो मेरा रिफंड बनता है, एक्सेस पे कर दिया, या आगे टैक्स कम है तो भी मेरा रिफंड बनता है। तो अब गवर्नमेंट कहते हैं, विवेक जो तेरा आईटीसी है वो 110% है, और ये 110 कैसे आया, जितने इनवॉइस अपलोड किए थे उसका तूने पूरा क्लेम कर लिया, जो अपलोड नहीं किए थे उसका 10% क्लेम कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात रूल 36(4) में लिख दी है हमने। बट जब तू रिफंड की एप्लीकेशन डालेगा ना तो रिफंड ओरिजिनल आईटीसी का मिलेगा, सच्चे आईटीसी का मिलेगा, ऑनेस्ट आईटीसी का मिलेगा, झूठे आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। झूठे का मतलब क्या है, जो हमने खुद ही कहा है तो अपनी क्रेडिट लेजर के अंदर शो कर दे, बट है तो वो झूठा ही ना, क्योंकि जिसके उसने इनवॉइस ही अपलोड नहीं किए तो भैया उसका रिफंड हम तुझे नहीं दे सकते, ये बात ध्यान दियो। हाँ तू यूज कर सकता है, तू उस क्रेडिट को यूज कर सकता है, बट अगर तूने रिफंड की बात की ना तो रिफंड तेको उसी का मिलेगा जितने इनवॉइस अपलोड किए होंगे। अच्छा, ओ माय गॉड, बल्ले बल्ले सर समझ आ गया। इट मीन्स आप ये बात कहना चाह रहे हो कि अगर आईटीसी लेने की बात होगी तो 110% तक ले सकता हूं, रिफंड लेने की बात होगी तो रिफंड उसी का मिलेगा जितने इनवॉइस अपलोड किए हैं, 100% का, मतलब 10% का रिफंड मैं नहीं ले सकता, क्या ये बात कहना चाह रहे हो? थम्स अप, बिल्कुल सही बात आपने समझ लिया सर, यही बात कहना चाह रहा हूं। अब लाइन ध्यान से पढ़ो, अब लाइन में कुछ भी नहीं है, द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी, मतलब जो आपने एक्यूमुलेट किया 110%, 110% एक्यूमुलेट किया ना, शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द आईटीसी एज पर दोज इनवॉइस द डिटेल ऑफ विच आर अपलोडेड बाय द सप्लायर इन जीएसटी ईयर 1, मतलब नोट अपलोडेड का तो जिक्र ही नहीं किया, तो जितने इनवॉइस अपलोड किए उसी का आईटीसी मिलेगा, जो अपलोड नहीं किए उसका रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे तुमने आईटीसी क्लेम कर लिया उसका 10% यूज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट रिफंड की एप्लीकेशन तुम उन्हीं इनवॉइस के लिए डालोगे, उसी आईटीसी के लिए डालोगे जितने इनवॉइस अपलोड हुए हैं, बस ये पर ध्यान देना। बात समझ आ रही है जी, ये आपकी सेकंड क्लैरिफिकेशन आ गई है जी, आई होप अब मैंने सफिशियंट टाइम लगा दिया। तीसरी क्लैरिफिकेशन ये है, एक इश्यू अराइज हुआ था मार्केट में, और जो बच्चे ऑफिस में जा रहे होंगे मे बी उनके सामने इशू कई बार आया होगा। इशू मार्केट में क्या चल रहा था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पर्सन ने एक इनपुट परचेस किया, एक सामान परचेस किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक सामान परचेस किया, उस पर मैंने जीएसटी पे किया 18%, 18% जीएसटी पे कर दिया, ठीक है नहीं? फिर वो आगे सामान बेचा, फिर वो आगे सामान बेचा, याद करो क्लास में रिफंड के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था रिफंड आपको मिल जाता है इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, याद आ रहा है इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने एग्जांपल में दिया था कि इनपुट पर ज्यादा टैक्स है आउटपुट पर कम है,
मैंने पहले टैक्स पे किया 28%, मैंने परचेज पर टैक्स पे किया 28%, और जब आउटवर्ड सप्लाई की तो उस पर टैक्स 18% है। तो याद करो रिफंड के चैप्टर के अंदर लिखा होगा आपने कि 10% जो आपने एक्सेस पे किया उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब मार्केट में ना एक इशू आया कि आपने जीएसटी पे किया 28% और वो आगे सामान बेच दिया, उसके बाद जीएसटी के रेट में चेंज आ गया, 5 दिन के बाद रेट चेंज आ गया, ये 28% वाला 18% हो गया। अब ये 28% वाला 18% हो गया, इट मीन्स अब जब ये सामान बेचोगे तो आगे 18% जीएसटी लगेगा, अब 28% जीएसटी नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा इशू मार्केट में आया, क्या ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है? बच्चा कह रहा है सर ये इशू आया क्यों? इशू इसलिए आया, इस पर्सन ने कहा जिसने 28% जीएसटी पे किया था, इसने कहा जी मुझे तो 10% का रिफंड दो। अब गवर्नमेंट ने बोला हेलो कि रिफंड कैसे भाई, क्योंकि जो तूने सामान परचेस किया उस टाइम तो 28% ही था ना, और अगर उस टाइम 28% है ऑब्वियस सी बात है बाद में हम रेट कम कर सकते हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, हमने रेट कम कर दिया, हमें लगा कम करना है। अब जैसे ही रेट कम हुआ तू कहने लगे कि भैया इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, लाओ जी हमें रिफंड लाओ, ऐसा तो पूरा भारत हमारे पास यहां पे आ जाएगा। भाई जिसने ये सामान 28% में परचेज किया होगा और अगली काउंसिल की मीटिंग में 28 वाला 18 हो जाए तो पूरा इंडिया क्या कहेगा, लाओ 10% का रिफंड लाओ। भैया क्या हो गया तुझे? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में ये केस कवर नहीं होता, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में ये केस कवर नहीं होता, ये बात ध्यान देना। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आपने परचेज किया उस टाइम 28% था और उसी टाइम पर सेम गुड्स पर आगे 18% है। याद करो मैंने कहा था री, मैंने प्लास्टिक परचेज किया, मैंने प्लास्टिक परचेज किया, प्लास्टिक पर जीएसटी मैंने पे किया 28%, प्लास्टिक से फॉर एग्जांपल मैंने पेन बनाया उस पेन पर जीएसटी 18% है, तो वो 10% एक्सेस जो पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा, ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने 28 में परचेज किया ठीक है ये, और बाद में 5 दिन के बाद गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया और बाद में रेट कम किया और मैं ये बोलूं जी रेट कम हो गया और मेरे को रिफंड लाओ क्योंकि मैंने तो ज्यादा पे किया था, गवर्नमेंट कहेगी वाह। अगर ऐसे होने लगा फिर तो हम पूरी जिंदगी उन लोगों के चक्कर में हम कभी रेट कम ही नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये डर रहेगा कि जिन लोगों ने ज्यादा टाइम पर परचेज किया था वो तो रिफंड लेने आ जाएंगे। सर आज अमेजोन पर सोच के बोलना, अमेजोन पर आपने एक सामान 10,000 रुपए का लिया, अमेजोन पर एक सामान आपने 10,000 रुपए का लिया, 5 दिन के बाद वो 10,000 वाला सामान ऑफर में डिस्काउंट में 8,000 रुपए का हो गया, तो क्या अमेजोन वाले आपको 2,000 रुपए का रिफंड कर देंगे क्या? क्या अमेजोन वाले आपको 2,000 रुपए का रिफंड कर देंगे क्या? क्यों सर मैंने तो 10,000 रुपए का लिया था, मैं नहीं मैं तो 10,000 रुपए का लिया था, मेरे को 2,000 रुपए रिफंड लो। अमेजोन वाले कहेंगे भैया क्या हमने ऑफर निकाला है? तो कई बार बच्चा मुझे भी तो कहता है सर आप क्लास का ऑफर निकालते हो, मैंने तो इतने की क्लास ली थी तो आप हमें रिफंड दो ना। हम उसको कहता हूँ मेरे बैंगनी कलर के, मेरे ग्रे कलर, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, ऐसा नहीं होता। वो तो मैं मतलब ऑफर उसलिए निकालता हूँ कि चलो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं परचेज कर सकते, चलो उनकी जो हेल्प हो सके वो ठीक है, बट ऑफर तो पूरे साल में बार बार नहीं आता, एक या दो बार ही आता है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने वहां क्लैरिफिकेशन देखो क्या किया है, इशू अराइज देखो जब क्या हुआ, इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड दैट सम ऑफ एप्लीकेंट, कुछ एप्लीकेंट होते हैं ना पागल होते हैं कुछ लोग, देखो क्या लिखा है, कुछ एप्लीकेंट आर सीकिंग रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वेयर द इन्वर्जन इज ड्यू टू चेंज इन जीएसटी रेट ऑफ द गुड्स, दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू एन इलस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने कमाल की बात देखो इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया, एन एप्लीकेंट ट्रेडिंग इन गुड्स हैज परचेज से गुड्स एक्स अट्रैक्टिंग 18% जीएसटी, हाउएवर सब्सिक्वेंटली द रेट ऑफ जीएसटी ऑन एक्स हैज बीन रिड्यूस टू से 12%। It is being claimed that accumulation of ITC in such case is also covered as accumulation on account of inverted duty structure and such applicant have sought refund of accumulated ITC under clause 2 of subsection 3 of 54। ये issue market में आया कि क्या inverted tax structure में cover होगा, अगर होगा तो refund मिलेगा, नहीं होगा तो refund नहीं मिलेगा। Government ने clarify कर दिया भैया अगर ऐसा करने लगे ना फिर तो हमारा काम हो गया। लास्ट लाइन पढ़ लेना, इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट रिफंड ऑफ एक्युमुलेटेड आईटीसी वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन सच केसेस, इन केसेस में रिफंड एप्लीकेबल नहीं होगा, साफ कहना सुखी रहना। तो सिंपल सी बात है कि भैया अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है केस स्टडी बेस। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं सर, जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं फाइनल वाले बच्चे हैं नोट कर ले लिख ले, केस स्टडी बेस क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद एग्जाम्पल फ्रेम की है, और कोई बड़ी बात नहीं सेम एग्जाम्पल फ्रेम आपके एग्जाम में आ जाए कि बताओ जिसका रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो गलती से भी मत लिख देना। और
नोट सर्कुलर नंबर क्या लिख के आओगे? सर्कुलर नंबर आपके सामने है 135/5/2020, ये सर्कुलर नंबर है। इश्यू मैंने आपको बता दिया, क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट के आपके सामने है कि भैया नहीं रिफंड मिलेगा, इसको इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में हम कवर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई थी? तो ये तीन अमेंडमेंट, एक तो हमारी रिफंड की हो गई, अब एक लास्ट अमेंडमेंट हमारी है रिफंड में, रूल नंबर 92(1)A इंसर्ट हुआ है और एक 80C(4)A इंसर्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने एग्जांपल अभी लिखवाऊंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वो तो हमने लास्ट अमेंडमेंट क्लास में कर ली थी, और देन फिर कस्टम के अमेंडमेंट क्लास आज नहीं कराऊंगा, एक कस्टम की क्लास मैं घर जाने से पहले ही डाल दूंगा, तो कोशिश करूंगा थर्सडे को डाल के जाऊं, क्योंकि फ्राइडे मुझे घर जाना है, तो कोशिश मैं करूंगा कि थर्सडे को ही रिकॉर्ड करके डाल दूं, ठीक है जी। और ताकि फिर मैं फ्राइडे को घर जाऊं, अपना 5-6 दिन मम्मी पापा के पास रहूं, उनका आशीर्वाद लेके आऊं, प्यार लेके आऊं, ओ माय गॉड, उनके आशीर्वाद से ही चलता है सर सारा काम। ये जो मोटिवेशन है बस उनके आशीर्वाद की देना, आपके प्यार की देना, और कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक लास्ट अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को समझना आप ध्यान से, इस अमेंडमेंट का मतलब क्या है। पहले तो अभी तक ये बताओ, आज की क्लास में अमेंडमेंट हमने कौन कौन सी की है, आप बताओगे? एक बच्चा सामने बैठा है, बताओगे? पक्का पक्का, चलो बताओ। सर सबसे पहले अमेंडमेंट आपने हमें यह बताई है कि एग्जम्पशन के चैप्टर में ना एंट्री नंबर 41 में पहले यह लिखा था कि अगर कोई गवर्नमेंट है या ऐसी एंटिटी जो गवर्नमेंट में जिसने मतलब गवर्नमेंट ने जिसमें 50% और मोर ओनरशिप रखी है, अगर वो लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस देते हो तो एग्जम्प्ट होता था, यह बात हमने क्लास में की हुई थी सर। बट अब आपने बोल दिया कि अब गवर्नमेंट कहती या तो गवर्नमेंट या ऐसी एंटिटी जिसमें हम 20% और मोर ओनरशिप भी रखेंगे ना, तो उसकी भी लॉन्ग टर्म लीज एग्जम्प्ट हो जाएंगी, मतलब हमने बेनिफिट तुम्हें ज्यादा दे दिया, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को अंडर लाना चाहते हैं, हम उनको ग्रो करवाना चाहते हैं। सर पहली अमेंडमेंट तो ये बिल्कुल सिंपल सी। सर फिर दूसरे अमेंडमेंट आपने करवाई हमें एंटी प्रॉफिटरिंग वाली, कि जो लोग चोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, उस पर पेनल्टी लगेगी 10%, बट 30 दिन का टाइम लगेगा, 30 दिन में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो पेनल्टी माफ हो जाएगी, नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, सेकेंड अमेंडमेंट आपने कराई। तीसरे अमेंडमेंट आपने रिफंड में पहली छोटी सी कराई है कि बंचिंग ऑफ रिफंड अब अलाउड है, पहले भी अलाउड था बट अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। फिर रिफंड में दूसरे अमेंडमेंट आपने कराई कि जो ITC क्लेम करते हैं ना, 110% क्लेम करते हैं, अगर आप उसका रिफंड लेने जाओगे तो 110 का रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड मिलेगा जो एक्चुअल ITC है, सच्चा ITC है, ऑनेस्ट ITC है, 100% का। जो 10% वाला आपको लेने के लिए अलाउड तो कर दिया, उसको आप यूज कर सकते हो बट उसका आप रिफंड नहीं ले सकते, सेकेंड अमेंडमेंट यही है। एंड तीसरे अमेंडमेंट सर यही है कि अगर मान लो सामान परचेज किया आपने किसी अलग रेट पर और उसके बाद रेट कम हो गया, तो ये इसको इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर नहीं करेंगे सर, ये जो आपका डिफरेंस आ गया इसको आप ये नहीं बोल सकते ये एक्सेस GST पे कर दिया, लाओ जी मुझे रिफंड लाओ, गवर्नमेंट कहते हैं इसका कोई भी रिफंड तुमको नहीं मिलेगा। तीसरी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने ये निकाल दी है। अब फोर्थ क्लैरिफिकेशन सुन लो जी, फोर्थ क्लैरिफिकेशन सुनना पहले, उसका फिर मैं एग्जांपल दूंगा, आप इसको रीड कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बात मुझे सोच के बताओ, एक पर्सन ने 20 लाख रुपए का गवर्नमेंट को GST पे कर दिया, बहुत ध्यान सुनना, ये तो 2-3 बच्चे बातें कर रहे हैं, या तो आप सेशन छोड़ के जा सकते हो या समझ सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास हैं, और मैं दूसरा ही ऑप्शन बोलूंगा कि छोड़ के मत जाओ, सुन लो ध्यान से, लास्ट अमेंडमेंट है, फिर चाहे जितनी मर्जी बातें कर लेना, मैं भी आपके साथ बातें करूंगा, बट ये अमेंडमेंट जरूरी है सर। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने गवर्नमेंट को GST पे किया 20 लाख, मैंने 20 लाख GST पे कर दिया क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 20 लाख बनता था और मैंने 20 लाख GST पे कर दिया। बाद में पता लगा भाई एक्चुअल GST 15 लाख है, बाद में पता लगा एक्चुअल GST तो 15 लाख है। बच्चा कह रहा है वो कैसे 15 लाख है, मे बी रेट कम लगाना था, मैंने रेट ज्यादा लगा दिया, मे बी वैल्यू कम लगानी थी, वैल्यू मैंने ज्यादा निकाल दी, किसी वजह से मैंने गवर्नमेंट को एक्सेस GST पे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सब जानते हो अगर एक्सेस GST पे करेंगे किसी रीजन की वजह से, फिर रिफंड का चैप्टर एप्लीकेबल हो जाता है। अच्छा अब जब मैंने 20 लाख का GST पे किया होगा तो मैंने यूज क्या किया होगा, क्रेडिट लेजर, और यूज किया होगा कैश लेजर, यही मैंने किया होगा। अब जब मेरे को पता लगा 15 लाख का है तो 5 लाख का मुझे रिफंड मिलेगा, और आप सब जानते हो रिफंड मिलता है कैश में, रिफंड कैश में आता है, मतलब आपके अकाउंट के अंदर सीधा आएगा या कैश मिलेगा। अब जब रिफंड कैश के अंदर मिलेगा तो लोगों को यह लगा कि अगर मैं ये काम करना स्टार्ट कर दूं, मतलब मैं ज्यादा GST देना स्टार्ट कर दूं और क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर दूं और बाद में रिफंड की एप्लीकेशन डाल दूं, तो क्रेडिट लेजर का पैसा भी मेरे पास कैश में आ गया। नहीं आई बात समझ? एक बात में सोच के बताओ, एक बच्चे के पापा मेरे पास आए, कहते विवेक, मैंने कहा हाँ अंकल, कहते यार मेरे क्रेडिट लेजर में ना 5 लाख रुपए पड़े हैं,
और कैश लेजर में 2 लाख रुपए हैं, तो मैं ना वो क्रेडिट लेजर के पैसे निकालना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि पैसे वहां से निकल जाएं। तो मैंने कहा अंकल ऐसा करो, आप ना जीएसटी एक्स्ट्रा निकाल दो, वैल्यू थोड़ी ज्यादा निकाल दो, रेट थोड़ा ज्यादा निकाल दो, और आप जीएसटी एक्स्ट्रा पे कर दो, ज्यादा पे कर दो। अब जो आप ज्यादा पे करोगे बाद में लाइबिलिटी कम आएगी, आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल देना, आपको रिफंड आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट लेजर का पैसा भी रिफंड के रूप में वापिस आ जाएगा। पापा ने बोला विवेक तेरे तो दिमाग तो है यार। मैं कहा अंकल ऐसे बातें मत करो, मेरे अंदर दिमाग क्यों नहीं होगा, दिमाग तो मेरे अंदर होगा ना, इतने क्यूट क्यूट से बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आप मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो दिमाग तो होगा। मैं कहा अंकल प्रैक्टिकल लाइफ में लोग यही काम करते हैं, कि करते क्या है कि उन्होंने जीएसटी लाइबिलिटी ज्यादा पे कर दी, क्रेडिट लेजर से यूज किया, कैश से यूज किया। अब कैश वाला पैसा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कैश में ही था, बट क्रेडिट लेजर से यूज किया और फिर बाद में रिफंड की एप्लीकेशन डाल के रिफंड क्लेम किया, तो क्रेडिट लेजर का पैसा भी कैश में कन्वर्ट हो गया। गवर्नमेंट ने देखा भाई साहब चल क्या रहा है, कि लोग तो क्रेडिट लेजर के पैसे को कैश में क्लेम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब ऐसा काम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे क्लोज इंसर्ट कर दिया कि भैया अगर तुमने जीएसटी की लाइबिलिटी एक्सेस पे कर दी है, हम तुम्हें रिफंड का ऑर्डर पास कर देंगे, बट जो तुम्हें रिफंड मिलेगा वो कैश लेजर से जो तुमने पेमेंट की है उसका कैश मिलेगा, क्रेडिट लेजर से जो तुमने पेमेंट की होगी ना उसका रिक्रेडिट दोबारा से होगा, उसको कैश में रिफंड नहीं देंगे। हो तेरी का, मतलब पापा कह रहे हैं, अंकल कह रहे हैं कि बेटे अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कहा अंकल सॉरी सॉरी अंकल अब कुछ नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि क्रेडिट लेजर से जो पैसा कटेगा और उसको वापिस किया जाएगा, तो वो क्रेडिट लेजर में ही दोबारा क्रेडिट होगा, वो कैश के रूप में नहीं दिया जाएगा। और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब कैसे प्रपोर्शनेट कैश वापिस करेंगे, कैसे प्रपोर्शनेट क्रेडिट लेजर के अंदर वापिस करेंगे, इसका फॉर्मूला गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। तो जो आप चलाक कर चलाकपंती करते थे ना, कई बच्चे खुश हो रहे हैं, कहते हैं सर हमारे ऑफिस में हमारे प्रिंसिपल ने कई बार ऐसा काम किया। तो होता क्या था, पहले आर्ग्यूमेंट तो होता था, कई केस में डिपार्टमेंट जीत गया, कई केस में हम जीत गए, क्योंकि लो क्लैरिफाई था नहीं, अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। तो ध्यान रखना ऑफिस वाले जितने बच्चे काम करते हैं, अब गलती से भी क्लाइंट को पापा को एक कंसल्ट मर्ज कर देना कि पापा ऐसा काम कर लो। अब गवर्नमेंट ने दोबारा बोल दिया कि हम दोबारा से रिक्रेडिट करेंगे तुम्हारे क्रेडिट लेजर को, बस एक बात ध्यान देना। देखो जी आपको दिखा देता हूँ, तो ये रिफंड का ऑर्डर तो आप सब जानते हो RFD 06 के अंदर आता है। देखो लिखा ना प्रपोर्शनेट टू द अमाउंट डेबिटेड इन कैश लेजर, मतलब जितना कैश लेजर का डेबिट हुआ है उसके प्रपोर्शनेट कैश लेजर आपको वापस मिलेगा और बाकी क्रेडिट हो जाएगा। आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्रेडिटेड द सेड अमाउंट एट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और यहाँ पे भी देखो लिख दिया गया जी कि आपको हम क्रेडिट कर देंगे, इसके लिए AO डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑफिसर एक फॉर्म इशू करता है। देखो लेंगे PO बाय एन ऑर्डर मेड फॉर्म GST PMD 03, ये फॉर्म नंबर है, ये PO इशू करेगा। सर आप हमें इसका एग्जांपल बता सकते हो, अगर मान लो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा तो हमें कैसे करना पड़ेगा, प्लीज आप हमें बता सकते हो? क्यों नहीं बताऊंगा, पहले इधर देखो मैंने क्या लिखा है, जो GST एक्सेस पे किया ई कैश लेजर से वो कैश में वापिस मिलेगा, जो एक्सेस GST क्रेडिट लेजर से पे किया वो क्रेडिट लेजर में ही दोबारा वापिस आएगा, कैश वापिस नहीं मिलेगा। अब ये प्रपोर्शन कैसे निकालना है वो हमें देखना है। देखो जी ग्रोस जीएसटी की लाइबिलिटी 25 लाख, हेलो बस खम हो गया, खम हो गया, जा रहे हैं घर जा रहे हैं, अमेंडमेंट खम, सारी अमेंडमेंट खम, बताओ नो अमेंडमेंट क्लास में सारी अमेंडमेंट खत्म कर दी, सिर्फ 9 दिन ही तो आना पड़ा सिर्फ। सर मैं भी तो रिकॉर्ड करके डालता हूं ना, मैं भी तो हार्डवर्क करता हूं, मैं भी तो मेहनत करता हूं, तो ऐसे नाराज क्यों जाते हो? बच्चे कह रहे बहुत थक गए, तो मैं नहीं थका। इधर देखो ध्यान से, मैं आपके लिए नहीं थकता कि मेरे बच्चे अगर काम नहीं करेंगे तो मेरे को दिक्कत आएगी, तो मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है, थका थकने की बात मत क्या करो। इधर देखो ध्यान से, बस 2 मिनट और रुक जाओ, हाँ जी फटाफट से शाबाश, जल्दी अलर्ट हो जाओ। ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी 25 लाख, आपने मुझे आंसर देना है। आईटीस यूटिलाइज कर लिया 20 लाख का, तो 20 लाख का आईटीस यूटिलाइज किया और 5 लाख रुपए की पेमेंट की कैश लेजर से मैंने लाइबिलिटी पूरी पे कर दी, बाद में पता लगा कि एक्चुअल लाइबिलिटी 20 लाख थी। ओ तेरी, एक्चुअल कितनी थी, 20 लाख थी, बाद में पता लगा। अब 5 लाख मैं रिफंड लेने के लिए गया, मैंने चालू पंती की 5 लाख का रिफंड लेने की, मैंने कहा क्रेडिट लेजर का पैसा वापस आएगा, गवर्नमेंट ने कहा हेलो हेलो। इधर देखो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये जो तूने 5 लाख हमें एक्सेस पे किया ना, इसका रिफंड अब तुझे कैसे मिलेगा वो देख ले। गवर्नमेंट कहती है बता तेरा कैश लेजर से तूने कितना डेबिट किया, कितना पेमेंट की, 5 लाख, 5 लाख पेमेंट की थी, और तेरा टोटल लाइबिलिटी कितनी थी, 25 लाख,
और कैश रिफंड, मतलब रिफंड तेरा कितना बनता है, 5 लाख। तो अगर तूने कैश लेजर से 5 लाख पेमेंट किया और लाइबिलिटी तेरी 25 थी, तो 5 में से कितना तूने पेमेंट किया होगा, इस तरह से निकालेंगे। सर नहीं आया। इधर देखो, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि तेरा कैश लेजर तूने पेमेंट की 5 लाख की लाइबिलिटी पे की 20, सॉरी टोटल कितनी है, 25 लाख में, तो तेरा जो 5 लाख का तू रिफंड लेने के लिए आया ना, उसमें कैश में कितना मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो भैया 5 5 1 1 लाख रुपए तुझे कैश में मिलेगा, और बाकी 4 लाख रुपए जो हैं हम रिफंड करेंगे रिक्रेडिट इन क्रेडिट लेजर। तो गलती से भी ना कई नालायक बच्चे पता क्या करते हैं, कहते बच्चे कहते हैं अच्छा 20 लाख आईटी से यूज किया, 5 लाख कैश लेजर से, तो 5 लाख का जो मुझे रिफंड लेना है तो मैंने कैश से 5 लाख यूज किया, तो 5 मुझे कैश ही मिल जाएगा ना। ऐसे नहीं निकालना, ऐसे नहीं निकालना, ऐसे नहीं निकालना, ऐसे नहीं निकालना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, प्रपोर्शनेट निकालना है कि कैश लेजर से कितनी पेमेंट की। फॉर्मूला लिख लो जी, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, रिफंड मल्टीप्लाई कितना रिफंड बनता है वो मल्टीप्लाई डेबिटेड फ्रॉम कैश लेजर, कैश लेजर से कितना डेबिट किया, और डिवाइड बाय टोटल जीएसटी लाइबिलिटी। अब ये जो निकल के आएगा प्रपोर्शनेट, ये आपको कैश में रिफंड होगा, ये कैश में रिफंड होगा, और बाकी जो होगा, बाकी जो होगा बैलेंस, वो री क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इस तरह से होगा। सर आप जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, हो गई अमेंडमेंट। तो सर एक बात मान लोगे हमारी? मैंने कहा क्या सर, एक क्वेश्चन और दे देना, दूं एक क्वेश्चन, पक्का पक्का लो यार। अरे यार तुम ना मेरे जिगर के टुकड़े हो। इधर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 2 लिख लो फटाफट से, जल्दी पैकअप करें, फिर पैकअप करें, पैकअप। ग्रोस जीएसटी की लाइबिलिटी है, ग्रोस जीएसटी की लाइबिलिटी है 30 लाख, और आईटीसी यूटिलाइज किया 22 लाख। कैश लेजर से पेमेंट की 8 लाख, कैश लेजर से कितनी पेमेंट की है, 8 लाख। कैश लेजर से कितनी पेमेंट की है, 8 लाख, ठीक है जी। और यहां पे एक्चुअल जीएसटी की लाइबिलिटी निकल के आई है, एक्चुअल जीएसटी की लाइबिलिटी निकल के आई है 22 लाख। मेरे को ये बताओ मेरा रिफंड कितना बनता है, बोलो 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 बोलो, रिफंड कितना बनता है जी, रिफंड कितना बनता है? 30 लाख की ग्रोस है जो मैंने पेमेंट की है, एक्चुअल मेरी 22 की है, तो मैं 8 लाख का रिफंड लेने जाऊंगा। अब 8 लाख का रिफंड लेने जाऊंगा, रिफंड मिलता था पहले कैश में, गवर्नमेंट कहती कैश में नहीं मिलेगा सारा। अब कैश में कितना मिलेगा वो निकालना पड़ेगा, बाकी जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा दोबारा से तेरी क्रेडिट लेजर के अंदर। तो पहली बात तो रिफंड 8 लाख बनता है, मल्टीप्लाई कैश लेजर से पेमेंट कितनी की थी तूने, ये देखो कैश लेजर से 8 लाख, और टोटल लाइबिलिटी कितनी थी, 30 लाख। तो अब देख लेते हैं कैश में के रिफंड कितना आएगा, तो 8 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 8, तो भैया 2,13,333 रुपये, ये तो तेरा कैश में आएगा, और बाकी जो रिफंड होगा ये 8 लाख में से 2,13,333 रुपये, तो ये 5,86,867 रुपये, ये जो होगा ये क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, बस ये पर ध्यान देना। तो सिंपल सी बात है, प्रपोर्शनेट निकालना है सर, मतलब पहले वाला काम नहीं है, प्रपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। कैश लेजर अगर इतना डेबिट हुआ, इतनी लाइबिलिटी थी, तो अगर इतना रिफंड बनता है जो तूने एक्सेस पे किया 8 लाख का, उसमें कितना कैश लेजर की पेमेंट तुझे होगी, इतना कैश मिलेगा, बाकी जो होगा वो क्रेडिट लेजर के अंदर आएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड अप कर लेना। लो आपके सामने है एग्जाम्पल, मैंने आपको ये इसका क्रक्स मैंने लिखवा दिया, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाला भी दे दिया, और एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखवा दिया, ठीक है जी। और एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ नीचे भी एक एग्जाम्पल दे दिया, ये दो एग्जाम्पल कर लेना, दैट इज सफिशियंट। उसके बाद कस्टम के अमेंडमेंट उसको भी छोड़ दो। तो ये फाइनली अब जाकर हमारी सारी अमेंडमेंट हो चुकी है, ठीक है जी। कुछ बच्चों के डाउट थे सर, इसके अलावा किसी टॉपिक में अमेंडमेंट नहीं है? सर अमेंडमेंट जितनी भी आपके मॉड्यूल में थी, जितने टॉपिक हैं, उसकी मोस्ट रेलिवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, सारी कवर हो चुकी है,
ठीक है जी। इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं करनी। हाँ, एक आपको चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी, वो मैंने आपको ये वाला क्लैरिफिकेशन दी थी, ये आपने रीड करनी है। मैंने कहा था प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इश्यूज चलते थे। ये वाला कहाँ गया, वो हमारी टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में थी, टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में थी, किसी बच्चे का मेरे पास डाउट नहीं आया अभी तक, कमाल की बात। देखो ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है जी। तो ये आपने एक बार रीड करनी है, अगर कोई भी डाउट आएगा, अगर अच्छा कई बच्चे ना अभी लिख देंगे मेरे को तो इसमें डाउट है, मेरे को करवा दो प्लीज, ऐसे नहीं होता नालायक को, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप रीड करोगे बिल्कुल सिंपल है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इश्यूज थे उसको गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है आपके भी, चाहे हाँ जो बच्चे ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए बातें काम की हैं, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। आपने एक बार रीड करनी है, फिर भी कोई डाउट आता है ना कि सर मुझे ये वाला पॉइंट, ये वाला इश्यूज मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बता देना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर का इश्यू नंबर 1 समझ में नहीं आ रहा, या इश्यू नंबर 2 समझ में नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, कस्टम के अमेंडमेंट क्लास के साथ तो डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि कस्टम तो मुझे पूरे डालनी है। फिर मैं जब घर से वापिस आऊंगा ना, तो फिर मैं आपका जो प्रोफेशनल वाला सेशन लेता हूँ, जो हमारा संडे को सेशन होता है रिविजन क्लास वाला, संडे को जो हमारा सेशन होता है रिविजन क्लास और डाउट सेशन वाला, उसके अंदर मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है जी। और बाकी आप कहोगे YouTube पे डाल दो, तो मैं YouTube पे बना के डाल दूंगा, बट इसके अंदर कुछ है नहीं, अगर आप खुद भी रीड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो बाकी सारी अमेंडमेंट सर हमारी कवर हो चुकी हैं, होप्स आपके अच्छे से हो गई होंगी। तो फाइनली अब जाके हम ये बोल सकते हैं कि जीएसटी फुली अपडेटेड हमारा हो चुका है दिसंबर तक। जून के अमेंडमेंट जरूर देख लेना, दिसंबर के अमेंडमेंट जरूर देख लेना, उसके बाद ही दिसंबर में एग्जाम देने की कोशिश करना, इन दोनों अमेंडमेंट को देखने के बाद। कई नालायक बच्चे ऐसे हैं जो जून की देखे बिना दिसंबर के देखेंगे, ये मत सोचें कि इसमें जून वाली भी कवर है, नहीं, ये सिर्फ दिसंबर के अमेंडमेंट है, सिर्फ दिसंबर के अमेंडमेंट है। जून वाली ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट के अंदर अलग से ही रख रखी है कि ये जीएसटी अमेंडमेंट जून के लिए, तो पहले जून वाली देखना, फिर दिसंबर वाली देखना, फिर फुली अपडेटेड आप हो जाओगे दिसंबर तक के लिए, फिर आप एग्जाम देने के काबिल हो जाओगे, ठीक है जी। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, कस्टम के अमेंडमेंट क्लास, छोटी सी अमेंडमेंट है एक, बाकी सब कस्टम जून वाला है, तो जिन बच्चों के पास कस्टम पहले का है वो पहले का देख सकते हैं। एक सिंगल अमेंडमेंट आई है, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये लगा लो एग्जाम में कस्टम के अमेंडमेंट है ही नहीं, आप ये मान के सक सकते हैं, बट फिर भी मेरी डालना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जरूर समझाऊंगा, तो कस्टम के अमेंडमेंट कोशिश करूंगा परसों आ जाए, देन फाइनली इनडायरेक्ट टैक्स की सारी अमेंडमेंट्स हमारी कवर हो जाएंगी। और फिर अगर इनकम टैक्स की बात करूंगा उसके अंदर भी एक क्लास लगेगी, कोशिश करूंगा वो परसों ही डाल पाऊं, नहीं तो फिर मैं घर आने के बाद डालूंगा, ठीक है। और कस्टम की अमेंडमेंट क्लास, कस्टम की रिवीजन क्लास भी मैं घर से आने के बाद ही डाल पाऊंगा, उसके लिए सॉरी मांगता हूं, बट मैं जरूर डालूंगा सर, एक बार कमिटमेंट कर दी तो पूरी करूंगा, मेरी पूरी फैमिली के साथ जो मैंने कमिटमेंट किया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं पूरी करूं, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, लव यू ऑल।